हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम लोग सीटी स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था और वो ये कह रहे थे कि सर आरसीसी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम आरसीसी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आरसीसी पढ़ने से पहले हमको कंक्रीट के बारे में समझ लेना चाहिए कि कंक्रीट होता क्या है, ठीक है, और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उसको उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या होता है। तो आज हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे, तो आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंक्रीट के बारे में जानेंगे। और ये मैराथन चलेगी। और मैराथन क्या मतलब, एक डेढ़ दो घंटे की क्लास करेंगे हम लोग, एक या डेढ़ घंटे की क्लास, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे के न्यू वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस होंगी। चलिए अब पहले हम पता करें कंक्रीट होता क्या है। व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम एज सीमेंट वेल ग्रेडेड कोर्स फाइन एग्रीगेट वाटर सम एडमिक्सचर्स। देखिए कंक्रीट होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट क्या है? एक होमोजीनियस मटेरियल है। क्या है ये? होमोजीनियस मटेरियल है, ठीक है। और ये मिक्सचर किसका होता है? ये मिक्सचर होता है वाटर सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स ठीक है। तो सीमेंट हम किसके रूप में यूज़ करते हैं? सीमेंट को हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, ओके। सैंड क्या होता है? एक फिलर मटेरियल होता है। फिलर मटेरियल के रूप में हम सैंड का यूज़ कंक्रीट में करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट किसके रूप में हम यूज़ करते हैं? दिस इज द इनर्ट मटेरियल। क्या है ये? इनर्ट मटेरियल। एंड एडमिक्सचर को हम जब यूज़ करते हैं, जब हम कोई स्पेशल टाइप की कंक्रीट बना रहे हों तो उसकी वर्कबिलिटी और स्ट्रेंथ को इनक्रीज करने के लिए, हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। देखिए हम वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? इलास्टिक मॉडुलस पता करते हैं, ठीक है। और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कितना होता है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, देखिए ये वेरी करता है। जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है वो वेरी करता है कितने से? 14 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से 40 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हम IS-456 अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि IS-456 1978 के अकॉर्डिंग जो ये इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो हम लेते हैं 57,000 अंडर रूट FCK, ठीक है। FCK है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ओके, ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर्स में, ठीक है। अगर ये 1978 के अकॉर्डिंग किया जाए, और इसमें जो मिनिमम ग्रेड हम यूज़ करते हैं वो होती है M15। कौन सी? M15। M यहाँ क्या है? M का मतलब होता है यहाँ मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज EC, मतलब इसको डिनोट करते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को,
किससे डिनोट करते हैं, ईसी से। अगर ये IS 456-2000 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 5000 अंडर रूट FC के होगा, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसमें जो मिनिमम ग्रेड लेते हैं हम लोग, मिनिमम ग्रेड वो होती है M20, ठीक है। कंक्रीट का पॉइजन रेशियो कितना होता है, थर्ड पॉइंट, येलो नहीं थोड़ा डार्क लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना कि कंक्रीट का पॉइजन रेशियो कितना लेते हैं, पॉइजन रेशियो कितना लेते हैं हम लोग, सॉरी पॉइजन रेशियो लेते क्या है, जिसकी वैल्यू, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 से 1 to 0.3, ठीक है, 0.1 to 0.3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अब देखिए, अब हम लोगों को उसके सीमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सीमेंट के बारे में देखना है तो सीमेंट में वन बैग में कितने केजी सीमेंट होता है, एक बैग मतलब वन बैग में कितने केजी सीमेंट होता है, आपको पता है 50 केजी होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखें, पहले कंक्रीट के बारे में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 m³ वेट कंक्रीट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ड्राई कंक्रीट में कितना चाहिए हमें, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए मतलब 1 m³ वेट कंक्रीट, यानी कि 1 m³ वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.54 m³ ड्राई कंक्रीट चाहिए। कितने की रिक्वायर्ड होती है हमें, रिक्वायर 1.54 m³ ड्राई कंक्रीट, ठीक है, ओके। अगर ये बात हम मोटर, ये कंक्रीट में है, अगर ये बात हम मोटार में करेंगे, फॉर मेकिंग 1 m³ मोटार, सॉरी बैट मोटार, 1 m³ बैट मोटार रिक्वायर्ड 1.25 m³ ड्राई मोटर, ठीक है, 1.25। अगर 1 m³ हमें बैट कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए हमें 1.54 m³ ड्राई कंक्रीट चाहिए, ठीक है, और 1 m³ मोटार बनाना है, बैट मोटार, तो हमें 1.25 m³ ड्राई मोटार चाहिए, ठीक है। अगर इसी को नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो द वेट ऑफ प्लेन के, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वेट कितना होता है, यानी कि द वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सारे MCQ क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ कंक्रीट में वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और मेन मेन पॉइंट्स हैं सारे, ओके। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आपको पता है वेट कितना होता है, जो हम लेते हैं वो होता है 2400 kg होगा, कितना होगा, 2400 kg पर मीटर क्यूब। ये तो था हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, ठीक है, और RCC के लिए कितना लेते हैं, RCC के लिए लेते हैं 2500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। देखिए कंक्रीट का जो क्लासिफाइड करते हैं, जो कंक्रीट का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर हम लोग सीमेंटिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट होता है ना। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये कलर नहीं चाहिए,
ब्लैक कलर लेते हैं क्योंकि बहुत लाइट है, थोड़ा डार्क कलर चाहिए। तो देखिए, अगर कंक्रीट क्लासिफिकेशन, कंक्रीट को क्लासिफाइड करेंगे अगर हम बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल, पॉइंट फर्स्ट, बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल, तो ये तीन टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है लाइम कंक्रीट, सेकंड इज जिप्सम कंक्रीट, एंड थर्ड इज सीमेंट कंक्रीट। ओके, ये था बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल। अगर बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिफाइन करेंगे बल्क डेंसिटी के, तो ये होती है फोर टाइप। एक्स्ट्रा लाइट, यानी कि फर्स्ट होगा एक्स्ट्रा लाइट। ओके, एक सेकेंड। तो फर्स्ट होगा एक्स्ट्रा लाइट, सेकेंड होगा लाइट, थर्ड होगा डेंस वेट, डेंस, एंड थर्ड होगा सुपर हैवी, सॉरी फोर्थ होगा सुपर हैवी। एक्स्ट्रा लाइट हम उसे कहते हैं जिसकी वर्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम हो, 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम होगी उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा लाइट, और जिसकी डेंसिटी 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होगी तो होता है लाइट वेट। ठीक है, अगर डेंस होगा तो डेंस की जो डेंसिटी होगी वो 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब होगी। सुपर हैवी में 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज देखिए, अब हम करते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग। ग्रेड ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर ग्रेड ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग करें तो लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, फर्स्ट इज लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ, थर्ड इज क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ। ओके, अब लो स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम हो, कितने 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम हो। और मीडियम स्ट्रेंथ उसको कहेंगे जिसकी स्ट्रेंथ 20 से 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में हो और इसकी 40 से अबव, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमने क्लासिफाइड किया ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आता है प्रस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब प्रस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, हम इसके प्रोपोर्शंस देखते हैं, जैसे कि M10, M15, M20 एंड M25। इसके प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, 1:3:6, और M15 का होगा 1:2:4, M20 के लिए होता है 1:1.5:3, इसका होता है 1:1:2 M25 का। ये प्रोपोर्शंस आपसे काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन से, M10 का पूछा गया है, M15 का पूछा गया है, M25 का, M20 का, ये चारों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रोपोर्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ क्यूरिंग के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ क्यूरिंग के अकॉर्डिंग। देख क्या हो गया, प्लेस ऑफ क्यूरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट होता है इन सितु कंक्रीट, सेकंड इज प्रीकास्ट कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट। इन सितु का मतलब होता है कि
हम साइट पे ही बना रहे हैं और साइट पे ही उसका यूज़ कर रहे हैं। प्रीकास्ट का मतलब है हमने कहीं बना के रखा हुआ है और बस साइट पे आके उसको उठा के लेके आना है और वहीं पे लगाना है। तो दिस इज द प्रीकास्ट, ठीक है। इन सेतु और प्रीकास्ट में डिफरेंस समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चर कैसे बनता है, स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। देखिए आप लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन बोल हिंदी में ही रहा हूँ, तो आप लोग लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए और मैं बहुत ही प्यार से आपको सारी चीज़ें लेके चलूँगा, ठीक है। सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट की। तो फर्स्ट इज द बैचिंग, फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस इज बैचिंग। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी बैचिंग करेंगे। सेकेंड इज फिर उसको करेंगे मिक्सिंग। बैचिंग का मतलब उसे मापना, यानी कि माप के, जैसे कि बालू है, सीमेंट है, जो भी है हम उसको माप के रखेंगे। माप को रखने के बाद हम उसको माप को रखेंगे क्या, माप के ही डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। आपने कंक्रीट बनते हुए, जब आपके घर का लेंटर है, जब कंक्रीट बनती है तो आपने देखा होगा पहले उसे तसले असले में भर के डालते हैं कि हाँ कि 3 तसला बालू डाल दो, 1 तसला सीमेंट डाल दो या 1 तसला गिट्टी डाल दो, एग्रीगेट डाल दो, है ना, बोलते हैं ना। तो वही सारी बैचिंग करेंगे पहले, फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर मिक्सिंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी के माध्यम से, उसको उसकी साइड तक पहुँचाएंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग के बाद क्या करेंगे? फोर्थ, प्लेसिंग करेंगे, मतलब उसको उस जगह पर डालेंगे जहाँ हमें बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ होगा कॉम्पैक्टिंग, फिर उसकी कॉम्पैक्शन करेंगे, ओके। नेक्स्ट कॉम्पैक्शन के बाद उसका हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करेंगे, और फिनिशिंग काफ़ी तरीके से करते हैं, ट्रॉलिंग से, ठीक है, उसको ऊपर जो गिट्टी विट्टी सरफेस पे दिखती है उसको सही करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, और फिर देन उसके बाद उसका कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी क्यूरिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्यूरिंग, ठीक है। अब क्यूरिंग समझे, क्यूरिंग का मतलब है जब जैसे कि आपका स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद तराई करते हैं ना, तराई, पानी से तराई करते हैं, उससे कहते हैं हम लोग क्यूरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज द बैचिंग। तो अब बैचिंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैचिंग क्या है, ठीक है, और बैचिंग के लिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो बैचिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं वॉल्यूम बैचिंग, ठीक है, एक हम करते हैं वेट वॉचिंग। वेट बैचिंग, बैचिंग का मतलब होता है मापता है, या तो हम तौल के नापेंगे या उसके वॉल्यूम, या किसी तसले में या किसी बर्तन, कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है, उसमें माप के उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉल जॉब्स हैं, मतलब छोटे मोटे वो हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे, स्मॉल जॉब्स में यूज़ करेंगे वॉल्यूम बैचिंग का, और ये सब ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क्स में, इम्पॉर्टेंट वर्क्स में हम वेट वॉचिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए लेकिन इन दोनों में एक स्पेशल पॉइंट है, मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट, ओके, ठीक है। सीमेंट को हमेशा हम वेट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे करते हैं, और मिक्सिंग करने का, देखिए सबसे पहली बात, मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग में हमें कितना टाइम, ऐसा नहीं कि हम घंटों भर उसे मिक्स ही किए जा रहे हैं, नहीं। जो हमें कोड ने IS-456 ने जो हमें टाइम दिया है मिक्सिंग करने का, वो दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का। कितना? 2 मिनट हम मिक्स करते हैं ओनली, ठीक है। और अगर हम किसी मिक्सर के द्वारा उसको मिक्स कर रहे हैं, किसी मिक्सर होते हैं ना, उनके द्वारा अगर मिक्स कर रहे हैं, तो कितने रेवोल्यूशन, मतलब कितने चक्कर उसको लिए होते हैं, तो जनरली 20 रिवोल्यूशन। कितना? 20 रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ कंक्रीट इन मिक्सर, जब मिक्सर प्रोवाइड है हमारे पास तब, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर्स जो होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं,
अब मिक्सर के भी टाइप होते हैं अलग अलग ना, तो मिक्सर के बारे में भी देख लेते हैं। मिक्सर दो तरीके के होते हैं, मतलब सॉरी मिक्सर्स करें, जो मिक्सिंग हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं अपने हैंड से, अपने हाथों से, फावड़े वावड़े से, जो आपकी लेबर होगी वहाँ पे जो होंगे वो करते हैं, और एक हम करते हैं मशीनों के द्वारा। किससे करते हैं? मशीन मिक्सिंग। क्या करते हैं? मशीन मिक्सिंग, ठीक है। और जो मशीन मिक्सिंग होती है उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है मैनुअल, मैनुअल यूज़ करेंगे, ठीक है, या बैचिंग प्लांट में यूज़ करेंगे, जब मिक्स करेंगे हम बैचिंग प्लांट में, या फिर सेमी ऑटोमेटिक होगी, या फिर ऑटोमेटिक होगी। और नेक्स्ट इज मशीन मिक्सिंग होती है, नेक्स्ट एक होता है मिक्सर्स, ठीक है। तो मशीन मिक्स करेंगे या तो मैनुअली करेंगे या बैचिंग प्लांट में करेंगे, या सेमी ऑटोमेटिक होगी या ऑटोमेटिक होगी। और एक होते हैं हमारे पास मिक्सर्स, ठीक है। आपने देखे होंगे मिक्सर्स ड्रम वाले, जो बड़ी बड़ी साइट से जब ब्रिज ब्रिज वगैरह बनते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ट्रक जैसा खड़ा रहता है पीछे, गोल मतलब बेलना का टाइप में एक उसमें ड्रम होता है, तो वो ड्रम घूमता रहता है, देखा होगा आपने जो घूमता रहता है, तो वही होते हैं हमारे मिक्सर्स। तो अब मिक्सर्स जो होते हैं वो दो तरीके से, एक पैन मिक्सर होता है, एक ड्रम मिक्सर होता है, ठीक है। एक पैन होता है, एक ड्रम होता है, ठीक है। अब ड्रम मिक्सर में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है टिल्टिंग, देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ। जो ड्रम है वो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है टिल्टिंग, एक होता है नॉन टिल्टिंग, और एक होता है रिवर्सिबल या रिवर्सिंग। ओके, तीन तरीके के हमारे पास ड्रम होते हैं। चलिए अगर हम लोग अब इसके बाद एक मिक्सिंग में ही, मतलब मिक्सिंग में ही हम अलग अलग पॉइंट्स हैं कुछ वो लिखेंगे। मिक्सिंग में ही आप पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि जब हम हैंड मिक्स करेंगे, मतलब जब हैंड मिक्सिंग करेंगे तो उसमें 10% एक्स्ट्रा सीमेंट यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, टिल्टिंग मिक्सचर आर यूज्ड फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स, लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स। अगर बड़े बड़े कार्य हमें करने हैं तो हम कौन सा मिक्सर यूज करते हैं? वो हम टिल्टिंग मिक्सर यूज करते हैं। अगर वही हमें स्मॉल वर्क्स के लिए करना है तो स्मॉल वर्क्स के लिए हम नॉन टिल्टिंग यूज करते हैं। कौन सा? नॉन टिल्टिंग मिक्सर आर यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क्स, ठीक है। देखिए लेकिन एक और बात इसमें, मतलब एक पॉइंट है, नॉन टिल्टिंग मिक्सर जो होता है, ठीक है, हम तब यूज़ नहीं करते हैं जब हमारे एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर हमारे एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज़्यादा है तब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? थर्ड पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मतलब यातायात, मान लीजिए जहाँ से हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, कितनी दूरी से हमें ट्रांसपोर्ट करना है, कितना टाइम लगता है, तो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। देखिए होता क्या है, अगर टनल वर्क यूज़ करते हैं तो टनल वर्क में हम कंक्रीट पंप्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कंक्रीट पंप्स इज कॉमनली यूज्ड ऑन टनल वर्क्स। और जो बेस्ट मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी पंपिंग होता है। क्या होता है? पंपिंग, ठीक है।
जब पंपिंग करते हैं, जब पंपिंग मेथड हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, वो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है कंक्रीट का, वो 0.92 होना चाहिए कॉम्पैक्शन फैक्टर। ठीक है, अभी हम लोग आगे कॉम्पैक्शन फैक्टर सारे टेस्टेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना बस समझ लीजिए, इसमें आप पॉइंट लिख लीजिए कि कंक्रीट पंप इज कॉमनली यूज्ड ऑन टनल वर्क्स, कंक्रीट, एक सेकंड, कंक्रीट पंप्स इज कॉमनली यूज्ड ऑन टनल वर्क्स, यूज्ड ऑन टनल वर्क्स। टनल का मतलब आप समझ रहे होंगे सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बेस्ट मेथड होता है, इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? पंपिंग मेथड। ठीक है, पंपिंग मेथड। और इसमें पंपिंग मेथड में जो कॉम्पैक्शन कंक्रीट, यानी कंक्रीट का कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है कि वैल्यू, वो कितनी होती है? 0.90 से 0.92 तक वेरी करती है, मतलब 0.90 या 0.92 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो पंपिंग मेथड में जो कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ कंक्रीट, इसकी वैल्यू जो होती है 0.92 तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये वेरी करती है। एक और बात, पंपिंग मेथड में जो पंपिंग मेथड होता है, जब हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका डाया कितना होना चाहिए? जो उसमें जो पाइप होता है, पंपिंग मेथड में जो पाइप होता है, उसका डाया कितना होता है? ठीक है, तो इसके लिए पंपिंग मेथड में जो पाइप का डाया होता है, डाया ऑफ पाइप 100 to 200 mm तक होना चाहिए। कितना? 100 to 200 mm तक। ठीक है, अगर पंपिंग मेथड से, इसी मेथड से अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटली कितना चलना चाहिए और वर्टिकली कितना होना चाहिए? ठीक है, पंपिंग मेथड से अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करें, देखिए एक पॉइंट ये है किसका? पंपिंग का। एक मिनट, मैं इसको कवर अप कर दूं थोड़ा सा। देखिए, पंपिंग मेथड का एक ये पॉइंट था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये थर्ड पॉइंट है ये कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी कंक्रीट होती है ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लगेगी तो वो अंदर ही सेट होना स्टार्ट कर देगी, तो हमें उससे पहले इसको साइट पर पहुंचाना है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे है वहाँ सेट ना होने लगे, इसीलिए इसके लिए भी एक लिमिट होती है कि हम कितनी दूर तक इसको ले जा सकते हैं। तो पंपिंग मेथड से हम कंक्रीट को हॉरिजेंटली 400 meters, मतलब हॉरिजेंटल में 400 meters तक, ठीक है, एंड वर्टिकल में, वर्टिकली 80 meters। ठीक है, हॉरिजेंटल में 400 meters एंड वर्टिकल में 80 meters हम उसका पंपिंग मेथड से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसका। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, पहला क्या हुआ था हमारा? बैचिंग, सेकंड मिक्सिंग, मतलब पहले बैचिंग माप आप कर ली, फिर सेकंड में मिक्सिंग, मिक्सर कर लिया पूरा। ठीक है, मिक्सर के बाद उसे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट होकर हमारी कंक्रीट हमारे पास आ गई, हम उसे क्या करेंगे? अपनी साइड पर उसे प्लेस करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लेसिंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसिंग। ठीक है, अब प्लेसिंग कैसे करेंगे? देखिए, प्लेसिंग हमें एक टाइम होता है, और टाइम से पहले हमें प्लेस कर लेना चाहिए, और कितनी ऊंची से, मतलब कितनी ऊंचाई से हम इसे प्लेस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई से करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, सारे कंकर और जो भी बाइंडिंग होगी वो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम प्लेस करने के लिए भी जो उसका फ्री फॉल होता है, हाइट होती है, वो 1.5 meters होती है, है ना। तो इसको हम प्लेसिंग पे लिख देते हैं, ये कोडिंग के अकॉर्डिंग है। आई एज पर
IS 456 मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल, परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज कितना लिया जाता है 1.5 मीटर, ठीक है, इससे ज़्यादा हाइट से हमें नहीं फेंकना चाहिए। जैसे नहीं आपने देखा होगा जब आपका लेंटर वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सी लेवर होती है ऊपर से पटक देती है ना, ज़्यादा ऊंचे तो इतना नहीं करना चाहिए, वो हमें 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊपर से हमें नहीं उसको फेंकना चाहिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट इज, अगर हमें अंडर वाटर करना हो तब, अगर अंडर वाटर हम कंक्रीटिंग कर रहे होंगे तब हम क्या यूज़ करते हैं बताइए, अंडर वाटर हम क्या करेंगे? अंडर वाटर के लिए हम टीमी पाइप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? देखिए जब हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग करेंगे तो हम यूज़ करते हैं टीमी पाइप। क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है, अंडर वाटर के लिए कौन सा? टीमी पाइप। और उसकी स्लम वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो स्लम वैल्यू होती है 150 से 200 mm। ओके चलिए ये था प्लेसिंग। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? कॉम्पैक्शन। प्लेसिंग हो गई, अब कॉम्पैक्ट तो कर दें, उसे अच्छी तरीके से देख तो लें, कॉम्पैक्टिंग या कॉम्पैक्शन बोल सकते हैं इसको। ओएन कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे? कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? अगर कोई एयर बर्ड्स, ठीक है, हमारे कंक्रीट के अंदर रह जाते हैं, है ना, और उसे यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ना मिला हो, ठीक है, तो और हाँ यही सारी चीज़ें मान लीजिए, अगर हमने कंक्रीट डाल दिया, पता चले नीचे बर्ड्स रह ही गए हों, है ना, और उसके जो प्लेसिंग है यूनिफॉर्म ना हो, ना हुई हो, मतलब जितनी जगह है उतनी जगह पर हमने कंक्रीट डाली है वो एक समान ना हो, ठीक है, तो उन सबको एक समान करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे हम, वही जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। अगर कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर, जो उसके अंदर एयर फंसी होती है उसको निकालना, ऑफ यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का यूनिफॉर्म प्लेसमेंट करना टू फॉर्म ए होमोजीनियस डेंस मास, फॉर्म ए होमोजीनियस डेंस मास इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन, ठीक है। डेफिनेशन कोई मतलब नहीं, बस आपको समझना आ जाना चाहिए कॉम्पैक्शन क्या होता है। देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर एंड यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, दिस इज द कॉम्पैक्शन, ठीक है। देखिए अगर हमारे कंक्रीट में कॉम्पैक्शन नहीं किया और 5 से 10% उसमें वॉइड्स रह गए, ठीक है, अगर उसमें वॉइड्स रह गए 5 से 10% जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगा, 30-60% डिक्रीज़ कर जाएगी। क्या हो जाएगा? 30-60% डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो हमें वॉइड्स ज़्यादा नहीं रहने चाहिए उसमें, और हमें उसे अच्छे से कॉम्पैक्शन करना चाहिए, ठीक है। चलिए मास कंक्रीटिंग के लिए जो वेरी इफ़ेक्टिव होता है तो वो होती है इंटरनल वाइब्रेटर, ठीक है, जिसे हम निडल वाइब्रेटर भी कहते हैं। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए कॉम्पैक्शन में जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें यहाँ लिखवा देता हूँ, इंटरनल या इसे निडल भी बोलते हैं, निडल वाइब्रेटर इट इज वेरी अफेक्टिव इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मास कंक्रीटिंग,
ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्पेक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट है वो भी लिख लीजिए, जो तो इंटरनल वाइब्रेटर था, एक्सटर्नल या फॉर्म वाइब्रेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल, इसी को हम फॉर्म भी बोलते हैं, FORM वाइब्रेटर। इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द सेक्शन इज थिन, व्हेन द सेक्शन इज थिन एंड हैविली रेनफोर्स्ड, एंड हैविली RF मतलब रेनफोर्स्ड, ठीक है, वेयर पेनिट्रेशन ऑफ नीडल वाइब्रेटर इज नॉट पॉसिबल, जहाँ जो इंटरनल वाइब्रेटर है, जहाँ इंटरनल वाइब्रेटर पॉसिबल ना हो यूज करना, इज नॉट पॉसिबल फॉर यूज, ठीक है, यानी कि नीडल वाइब्रेटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्सटर्नल वाइब्रेटर कहाँ यूज करेंगे? इट इज यूज्ड ओनली, वहाँ यूज करेंगे व्हेन, जहाँ जब द सेक्शन इज थिन एंड हैविली रेनफोर्स्ड हो, जो सेक्शन है थिन हो और हैविली रेनफोर्स्ड हो, वहाँ हम यूज करते हैं एक्सटर्नल वाइब्रेटर का, ठीक है, किसके लिए? कॉम्पैक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट है ये, और वो है फिनिशिंग, ठीक है। अब फिनिशिंग में हम क्या करते हैं, जो उसका सरफेस होता है टॉप सरफेस, उसको स्मूथ मिलाते हैं, उसको लेवल लाते हैं, ठीक है, तो वही फिनिशिंग करते हैं। और इसको हम किस तरीके से इसको डन करते हैं, स्क्रीडिंग से करते हैं या फ्लोटिंग से करते हैं या ट्रॉलिंग से करते हैं, तीनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिनिशिंग जो करते हैं, फर्स्ट स्क्रीडिंग, सेकंड इज फ्लोटिंग, एंड थर्ड इज ट्रॉलिंग। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि स्क्रीडिंग क्या होता है? स्क्रीडिंग वो होता है, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग की, ठीक है, और कंक्रीट करने के बाद जो एग्रीगेट्स हैं वो कहीं कहीं ऐसे से निकल ला रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर एक, मतलब जो मिस्त्री होता है हमारा, क्या करता है, एक डंडे से उसको, तो यहाँ से चलाता है डंडा पूरा, ठीक है, उसको एक तरफ यानी कि ऊपर स्मूथ सरफेस करता है, मतलब प्रॉपर ग्रेड में करता है सरफेस पर, ठीक है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं स्क्रीडिंग को, द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सिस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू प्रॉपर ग्रेड, मतलब उसको प्रॉपरली, जैसे कि सपोज दैट कहीं यहाँ कंक्रीट हमारी, देखिए यहाँ था, यहाँ कंक्रीट ज़्यादा है, यहाँ कंक्रीट ज़्यादा पड़ी है, यहाँ कंक्रीट यहाँ कम है, तो उसको क्या करता है, एक समान करता है, ठीक है, एक समान हम इसको कर देते हैं, तो वही कहलाती है हमारी क्या, स्क्रीडिंग। फ्लोटिंग क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द इररेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, इट इज जनरली डन बाई वुडन फ्लोट, ठीक है। जो फ्लोटिंग करते हैं, लकड़ी का बना हुआ एक वो होता है हमारे पास, और जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं ऊपर या कुछ, मतलब इररेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, उनको एक समान यानी कि क्लियर करने के लिए। अब वही चीज़ है, इररेगुलरिटीज़ का मतलब ये है, जैसे कि जब आपने देखा होगा, जब भी आपका लेंटर पड़ता है तो मिस्त्री ऊपर बैठा रहता है, जब वो जो मिस्त्री ऊपर बैठा रहता है वो क्या करता रहता है, वो अपना जो एक लकड़ी का एक डंडा होता है उससे वो चलाता रहता है। वो चलाता क्यों रहता है, कि जिससे कि जो हमारा एग्रीगेट है, हमारे कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट है वो चारों तरफ से एक्चुअली मतलब फिट हो जाए, ठीक है, तो वही कहलाते हैं फ्लोटिंग। ट्रॉलिंग क्या है? ट्रॉलिंग का ये है, इट इज़ द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग। ट्रॉलिंग जो है फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग है, फाइनल ऑपरेशन फॉर फिनिशिंग, फिनिशिंग का फाइनल ऑपरेशन है, ये हमें देता है स्मूथ सरफेस। क्या देता है? स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो आपको समझ में आया स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रॉलिंग? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर, देखिए आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं,
ठीक है, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे और मैं उन्हीं उन्हीं का एक डाउट सेशन संडे को या सैटरडे को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो आप लोग डाउट पूछिए तो कम से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वो होता है क्या, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब है लास्ट इज क्यूरिंग, क्या है, फिनिशिंग हो गया, सब कुछ बन के रेडी हो गया, अब हम उसको तराई करेंगे। क्या करेंगे, तराई, तराई को बोलते हैं क्या, क्यूरिंग, ठीक है। क्यूरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हीट जनरेट करती है हमारी सीमेंट, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, जो गैसेस वगैरह निकलती हैं अंदर से, जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो कंक्रीट क्या करेगी, क्रैक्स जनरेट करके वो निकलेगी। अगर हम उसकी तरह क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें क्यूरिंग मैंडेटरी होती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, किस लिए, उसका टेम्परेचर, कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ओके। देखिए अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, अगर हमने कंक्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ किया है, कौन सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर हमने यूज़ किया है, तो वह क्या होगा, 3 से 7 दिन हमें उसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लो हीट सीमेंट में लंबा, लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड होता है, ठीक है, और ओपीसी में 7 डेज होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देखिए मैं इसको एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा, क्यूरिंग पीरियड फॉर, क्यूरिंग पीरियड फॉर RHC यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 3 to 7 days, ठीक है, और 7 days फॉर, 7 days फॉर OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। बट लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट हैव मोस्ट लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड, क्या होता है, मोस्ट लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड होता है किसका, लो हीट सीमेंट में, ठीक है। अब देखिए जो वाटर होता है, कौन कौन से वाटर होते हैं, एक कैपिलरी वाटर होता है, जेल वाटर होता है ना, जो सीमेंट में वाटर्स होते हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, कि कौन कौन सा वाटर हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं। आप लोग पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इन चीज़ों को मतलब बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा मेरा, मेरी भी मेहनत करने का और आपका तो, आप तो कुछ नहीं है, है ना, आपको भी, आप भी वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप नो करके चले जाइए, है ना, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप लाइव देखते हों और चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन सॉरी मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में, तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए वाटर के बारे में पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं क्यूरिंग कितनी कितनी तरीके से हम करते हैं, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग किया अब मेथड ऑफ क्यूरिंग भी तो करेंगे, है ना, वो भी तो पढ़ लें भाई, कभी शायद एक दो क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्या, मेथड ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। एक होता है पहला सेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क या स्टैग्नेटिंग वाटर, गनी वैक्स के द्वारा, स्प्रिंकल के द्वारा, मेम्ब्रेन क्यूरिंग करेंगे या स्टीम क्यूरिंग करेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो मैं इसमें से, क्यूरिंग जो है 5 तरीके की होती है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, तो उसकी क्यूरिंग आप कैसे करेंगे,
स्ट्रक्चरल, तो उसकी क्वेरिंग हम कैसे करेंगे, गनी वैक्स से करेंगे। गनी वैक्स का मतलब ये समझ लीजिए, बोरे होते हैं, बोरे देखे होंगे आपने, उसको भिगोकर उस पर डाल देना, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंक्रीट का मतलब ये है कि जिसमें रेनफोर्समेंट वगैरह सब कुछ होता है दिस, ठीक है। अगर वर्टिकल सरफेसेस हैं, देखिए फॉर वर्टिकल सरफेसिंग और वर्टिकल जो सरफेस होते हैं उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसके लिए स्प्रिंकलर यानी फुब्बारे का यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। अब वर्टिकल सरफेस हैं तो उस पर पानी रुकेगा तो हो नहीं, अंदर रुकेगा तो है नहीं, तो या तो क्या, या तो हम उस पर कुछ कपड़ा वपड़ा डाल के उसे बनाए रखें, या फिर उस पर फुब्बारे से हम उसकी क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्री कास्ट कंक्रीट वर्क। अगर हम प्री कास्ट कंक्रीट वर्क की, सॉरी प्री कास्ट कंक्रीट वर्क की हमको क्यूरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, ये हम करते हैं कैसे, स्टीम क्यूरिंग करते हैं इसके लिए, कैसे, स्टीम क्यूरिंग, ठीक है। चलिए आपसे यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, प्री कास्ट कंक्रीट के लिए कौन सी क्यूरिंग करते हैं, मतलब किस तरीके की, आप तो ऑप्शन में होंगे तो आपको लगाएंगे क्या, स्टीम क्यूरिंग, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट और हैं इसके, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके चलिए, जो स्टीम क्यूरिंग होती है, ठीक है, वो नॉट सुटेबल फॉर हाई एलुमिना सीमेंट। अगर आप हाई एलुमिना सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तब हम स्टीम क्यूरिंग का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब स्टीम क्यूरिंग इज नॉट सुटेबल फॉर हाई एलुमिना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज हिली एरियाज में हम कौन सी क्यूरिंग करते हैं, मेम्ब्रेन, कौन सी, मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज यूज्ड फॉर हिली एरियाज। अगर आपसे ये पूछे आप क्वेश्चंस में कि हिली एरियाज में हम कौन सी क्यूरिंग करते हैं, तो दिस इज द मेम्ब्रेन क्यूरिंग। ओके, कौन सी, मेम्ब्रेन क्यूरिंग हम यूज करते हैं। जो हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं उससे क्या होता है, कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीम क्यूरिंग के लिए क्या बताया था मैंने, हाँ, स्टीम क्यूरिंग, जब स्टीम क्यूरिंग करते हैं तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और शियर स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पूरा कंक्रीट, मतलब हमने कंक्रीट को पहले बैचिंग किया, मिक्सिंग किया, ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया, प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद उसका कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन करने के बाद उसकी क्यूरिंग भी कर डाली, ठीक है। अब आता है, अब हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट इन कंक्रीट, ठीक है। अब मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, वैसे अब कंक्रीट में हमने इतना कर लिया और मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको पर टाइम नहीं देख पा रहा हूँ कि कितने टाइम की, वैसे इतना टाइम बहुत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए मैं आपसे लोगों से बस एक ही बात, अब मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर मतलब सारी चीज़ें अरेंज की हैं,
इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, ठीक है, तो आप लोग बिना लाइक के बिना शेयर किए आप लोग चले जाते हैं, तो भैया कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।